हाय फ्रेंड्स, मैं आरती शेयर कर रही हूँ आज आप सभी के साथ फिर से एक बहुत ही हेल्दी वेट लॉस रेसिपी जो कि सुपर इफेक्टिव है आपकी वेट लॉस डाइट के लिए। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और सबसे अच्छी बात कि ये लो इन कैलोरी है, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिंस है। सभी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। इस रेसिपी में दो लोगों की सर्विंग है, पर सर्विंग आपको अराउंड 170 कैलोरीज मिल रही हैं, प्रोटीन रिच है। बाकी सारी चीज़ों के लिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा, मैं वहाँ पर सारे इन्ग्रीडियंट्स और न्यूट्रिशन वैल्यू सब कुछ मैंशन करती हूँ, तो आप एक बार ज़रूर से चेक कर लिया कीजिए। तो इस सुपर इफेक्टिव सुपर हेल्दी वेट लॉस खिचड़ी को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे कुछ मसाले जो कि बारी बारी से मैं आपको बताती जाऊंगी। यहाँ पे मैंने लिया ये पीली वाली मूंग दाल और यहाँ पे ये है गेहूं की दलिया और हमें चाहिए होगा कद्दू। अगर आपके पास कद्दू नहीं है तो आप यहाँ पे लौकी का यूज़ कर सकते हैं। बाकी जितनी सामग्री मैं यूज़ कर रही हूँ आपको ईजिली मिल जाएंगी। और अगेन, अगर आपके पास गेहूं की दलिया नहीं है तो आप यहाँ पे कीनवा यूज़ कर सकते हैं या फिर ओट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए मैं फटाफट से आपको बताती हूँ हमें इसे बनाना कैसे है। तो सबसे पहले यहाँ पे कद्दू को हमें, मैंने यहाँ पे 150 ग्राम कद्दू लिया है जिसमें सिर्फ 37.5 कैलोरीज हैं। ये लो इन कैलोरी होता है, रिच इन फाइबर होता है, जिसकी वजह से हमें भूख जल्दी जल्दी नहीं लगती, हमारा पेट भरा हुआ रहता है। और ये जो खिचड़ी की रेसिपी डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कद्दू में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6 एंड विटामिन B12 होता है और इसमें और भी कई सारे विटामिंस एंड न्यूट्रिएंट्स मौजूद है और ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है और वेट लॉस में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है। अगर आपको पता हो तो पम्पकिन सूप भी मैंने अपने चैनल पर शेयर किया है, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो इस खिचड़ी को बनाने के लिए हमें कद्दू को ना बहुत ही छोटा छोटा कट करना है, पतला पतला सा कट कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं इसको छोटा छोटा सा कट कर रही हूँ ताकि ये जल्दी से पक जाए। इस तरीके से हमें इसको कट करना है, ये देखिए। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इसकी जगह लौकी का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कद्दू, और ये सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और वेट लॉस के लिए बहुत ही परफेक्ट है। आप इसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, लंच और डिनर के लिए बहुत ही परफेक्ट है। आप इसे अपने प्रॉपर मील की तरह ले सकते हैं, आपका पेट भी पूरी तरह से भर जाएगा, लो इन कैलोरी है और आपको बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन प्रोवाइड कर रहा है। दो लोगों की सर्विंग है, पर सर्विंग आपको इसमें करीब 6 से 7 ग्राम तक प्रोटीन मिल रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने कद्दू को अच्छे से कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने ये मूंग दाल ली थी 2 बड़े चम्मच, अगर मैं आपको ग्राम में बताऊँ तो ये 25 ग्राम मूंग दाल थी जिसको मैंने करीब 1 से 1.5 घंटे तक भिगोया है। अच्छे से वॉश करके पानी में डाल के आप इसको 1 से 1.5 घंटे तक भिगो दीजिएगा। इससे क्या होगा कि हम जो खिचड़ी बनाएंगे वो पकने में कम टाइम लगती है। अगर आप भिगोना भूल जाते हैं तो आप डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ये गेहूँ की दलिया ली थी, जिन लोगों को नहीं पता है कि गेहूँ की दलिया क्या होती है, गेहूँ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर बनाया जाता है। ये देखिए, इसे हम लापसी भी बोलते हैं और ब्रोकन वीट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने 30 ग्राम ली थी, आप 3 बड़े चम्मच ले सकते हैं अगर आपके पास मापने वाली मशीन नहीं है। बाकी इंग्रेडिएंट में क्या यूज़ कर रही हूँ और कितनी कैलोरीज हैं उनमें, इन सब चीज़ों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप ज़रूर से चेक कीजिएगा। तो अभी हमें क्या करना है, इसके पानी को निकाल लेना। फटाफट से आइए, मैं आपको बताती हूँ रेसिपी कैसे बनाना है। तो अब आप चाहें तो इस खिचड़ी को आराम से पैन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ और इसमें अब मैं ऐड करूँगी देसी घी। अगर आप देसी घी नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद का कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। देसी घी में हेल्दी फैट्स होते हैं और ये थायराइड पेशेंट के लिए भी काफ़ी हेल्दी होता है। तो इसमें मैं 2 छोटे चम्मच देसी घी ऐड कर रही हूँ, 1 मैंने ऐड कर दिया है और 1 चम्मच मैं और ऐड कर रही हूँ। सॉरी, ये 1/2 टीस्पून है तो मेरे को 2 बार और ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हो गए पूरे 2 छोटे चम्मच देसी घी। अब मैं इसमें ऐड करूँ 1/2 छोटा चम्मच ज़ीरा और अब मैं इसमें ऐड करूँ करीब 1 से 2 चुटकी तक हम हींग ऐड करेंगे जो कि हमारे डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छी होती है। और ये खिचड़ी अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी बहुत ही बेस्ट है, हाई कोलेस्ट्रॉल है उनके लिए भी परफेक्ट है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। मैं यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग आप जितना तीखा खाते हो ऐड कर सकते हैं। हल्का सा हम इसको भी घी में फ्राई करेंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 छोटी प्याज मैंने ली है और यहाँ पर ये फ्रेश करी लीव्स हैं। करी लीव्स अगर आपके पास हो तो ऐड कीजिएगा, ये टेस्ट तो इन्हांस करता ही है, साथ में हमारी वेट लॉस में काफ़ी हेल्प करता है, रिच इन आयरन होता है, हमारे बॉडी से ख़राब जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको फ्लश आउट करता है। तो यहाँ पे हल्का सा हम प्याज को फ्राई करेंगे घी में
और देसी घी में बनी हुई खिचड़ी का टेस्ट भी बहुत ही अमेजिंग आता है। और आई एम श्योर आपने अभी तक कद्दू की खिचड़ी तो नहीं ट्राई की होगी, और तो आप जब भी कद्दू लाएं या फिर नहीं है तो आप घर में रखा कीजिए और इस खिचड़ी को इंक्लूड कीजिए अपने डाइट में, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे प्याज को करीब मैंने 1.5-2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया है, बहुत ही गोल्डन हमें नहीं करना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने कद्दू कट करके रखा है, इसको 150 ग्राम ये वज़न में मैंने कद्दू लिया है और इसके बीजे को मैंने निकाल दिया था, उसके बाद मैंने इसको वज़न किया था। तो कद्दू को हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। करीब 1.5-2 मिनट तक हम प्याज के साथ इसको इस तरीके से फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को आप मीडियम टू हाई रख सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि कितना हरा हरा कद्दू अच्छा लग रहा है देखने में, और इससे आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि खिचड़ी काफ़ी हेल्दी है। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि अगर आपको 2 छोटे चम्मच देसी घी ज़्यादा लग रहा हो तो आप 1 छोटा चम्मच देसी घी भी ऐड करके आराम से इस खिचड़ी को बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको 2 मिनट तक करीब इस तरीके से चलाते हुए फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से मसाले, बहुत ही सिंपल से मसाले मैं ऐड कर रही हूँ। करीब यहाँ पर 1/2 छोटा चम्मच मैंने हल्दी ली है और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच तक ये धनिया पाउडर। अब मैं इसमें ऐड करूँ ये अदरक लहसुन का पेस्ट करीब 1 छोटा चम्मच। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और हम थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे पानी करीब 1 से 2 चम्मच तक। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही सिंपल से मसाले डालकर, एकदम हल्के से मसाले डालकर मैं ये खिचड़ी को बनाती हूँ और मुझे बहुत ही टेस्टी लगती है ये खिचड़ी। और बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है, हर कोई इसको बना सकता है। अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे टमाटर, मैंने 1 छोटा टमाटर लिया है, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम करेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसको कवर कर देंगे करीब 2 से 3 मिनट के लिए इस तरीके से। तो करीब 2 मिनट हो गए हैं, आइए कवर को हम ओपन करते हैं और इसको अच्छे से हम मिक्स करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे मसाले भी बहुत ही अच्छे से भुन चुके हैं और सब्जियाँ भी थोड़ी सी पक चुकी हैं। तो अभी हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने मूंग दाल और दलिया को भिगो के रखा है उसको। तो यहाँ पे ये मैंने 2 बड़े चम्मच मूंग दाल ली थी, वज़न में 25 ग्राम है, एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। तो मूंग दाल जो है वो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाती है और रिच इन प्रोटीन होती है। इस 25 ग्राम मूंग दाल में, मतलब कि 2 बड़े चम्मच मूंग दाल में 6 ग्राम आपको प्रोटीन मिल रहा है, और ये डायबिटिक पेशेंट के लिए काफ़ी हेल्दी होती है, हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है, हमारे पाचन शक्ति को भी इम्प्रूव करती है। अच्छे से हम इसको भी मिक्स करेंगे। और अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ये दलिया जो हमने भिगो कर रखी है, इसको बहुत से लोग लापसी बोलते हैं, मैं दलिया ही बोलती हूँ। ये यहाँ पे 30 ग्राम था वज़न में, और इसको भी मैंने साथ में ही डाल के भिगोया था। करीब 1.5 घंटे हो गए थे इन दोनों को भिगोए हुए, तो आप 1 से 1.5 घंटा तक इसको ज़रूर से भिगो कर रखें। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास दलिया नहीं है तो आप यहाँ पे ओट्स यूज़ कर सकते हैं, राइस भी यूज़ कर सकते हैं जैसे वाइट या ब्राउन राइस, या फिर आप यहाँ पे कीनवा और बाजरा भी ऐड कर सकते हैं। इन सबको हम अच्छे से हाई फ्लेम पर मिक्स करेंगे। करीब 1 से 2 मिनट तक हम इसको भी लगातार चलाते हुए भून लेंगे। यहाँ पे ये अच्छे से भून चुका है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। तो मैं यहाँ पे ये 2.5 कप पानी ऐड कर रही हूँ, आप 2 कप से 3 कप तक पानी ऐड कर सकते हैं, जैसी आपको खिचड़ी चाहिए हो, पतली गाढ़ी, उसके अकॉर्डिंग। और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। थोड़ी सी मैं इसमें ऐड करूँगी हरी धनिया, इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से कवर करके 2 से 3 सीटी हम लगाएंगे। गैस की फ्लेम को आपको मीडियम रखना है। तो यहाँ पे मैंने 4 सीटी के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर दिया और इसको 5 मिनट हो गए हैं गैस की फ्लेम को बंद किए हुए। आइए हम ओपन करके चेक करते हैं। तो ये देखिए हमारी खिचड़ी यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनकर तैयार है। मुझे थोड़ी सी ये पतली लग रही है, पर अगर अभी ये ठंडी होगी तो परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। बट अभी मैं गैस की फ्लेम को ऑन करके इसको थोड़ा सा गाढ़ा करूँगी, क्योंकि मुझे आप लोगों को सर्व करके दिखाना है तो परफेक्ट दिखना चाहिए। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को मैंने हाई रखा है और इसको मैं थोड़ा सा 2-3 मिनट तक पका लूँगी। मैं आपको एक अच्छे से स्पून से दिखाती हूँ, ये देखिए हमारी खिचड़ी किस तरीके से बनी है, और इसे बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है।
और ये बहुत ही फिलिंग भी है, ये देखिए। तो इसको मैं थोड़ा सा गाढ़ा करूँगी बस। तो यहाँ पे करीब 1 से 1.5 मिनट तक हो गए इसको हाई फ्लेम पर पकाते हुए। आप देख सकते हैं अब इसकी जो कंसिस्टेंसी वो धीरे धीरे सही होने लगी है। तो थोड़ा सा मैं इसको और पकाऊँगी बस। और इसको और भी ज़्यादा अफेक्टिव बनाने के लिए वेट लॉस में आप क्या करें, सर्व करते समय इसमें ताजे नींबू का रस निचोड़ कर खाएँ तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगी वेट लॉस के लिए। और आप इसको आराम से, अगर आप अपने सिंगल लोगों, मतलब अगर आप सिंगल सर्विंग में बना रहे हैं तो आप इसको एक बार बना के जैसे लंच में खा रहे हैं, फिर आप इसको डिनर में भी खा सकते हैं। और ये खिचड़ी आप अपनी डाइट में चाहें तो डेली भी ले सकते हैं एक टाइम, या फिर आप वीकली मतलब हफ्ते में 2 से 3 बार ये खिचड़ी ले सकते हैं। मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी खिचड़ी की रेसिपीज़ हैं, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। तो बस अब मैं गैस की फ्लेम को बंद करूँगी। अभी ये ठंडा होगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं इस तरीके से खिचड़ी है। आई रियली होप आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट भी ज़रूर करना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं आपको जल्द मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन ईट हैप्पी एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय, टेक केयर।